हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिर्फ दो चीजों से बहुत ही टेस्टी कुरकुरा क्रिस्पी नाश्ता। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही झटपट से बन जाता है। इसे आप बच्चों को टिफिन में भी बना के दे सकते हैं या फिर झटपट से नाश्ते में बना के खा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलकर बनाते हैं आज की बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 कप पानी और इसमें हम उबाल आने देंगे गैस की फ्लेम हाई करके। और इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, यहाँ पे आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर और इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। ये देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसको एक बार चला देंगे तो ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब हम लेंगे 1 कप सूजी, तो सूजी को ऐसे थोड़ा थोड़ा सा करके हम पानी में डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरीके से स्पून से दबा दबा के मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना पड़े। और सूजी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार में डालेंगे तो बहुत सारी गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो ये देखिए सारी सूजी को मिक्स करेंगे तो थोड़ी ही देर में ये बहुत जल्दी गाढ़ा होने लग जाएगा। सूजी जो है पानी को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको बस दो से तीन मिनट तक ऐसे पकाएंगे तो ये देखिए सूजी जो है बहुत अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी, पक जाएगी। तो ये बहुत अच्छे से एकदम से पानी को अब्जॉर्ब कर ली है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डालेंगे हम उबले हुए आलू। तो यहाँ पे 2 उबले हुए आलू को लेके छील के और मैंने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करके डालेंगे तो इसमें कोई भी गुठली नहीं रह जाएगी। फिर इसको हम सूजी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए सूजी में आलू बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और डालेंगे इसमें खूब सारी धनिया पत्ती और इसको भी हम डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सूजी में धनिया पत्ती और आलू सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक बर्तन लेंगे गहरा सा और उसमें हम इसको रख देंगे निकाल के सूजी को, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही हमें ठंडा कर लेना है। बस इतना करेंगे ताकि हाथ से मसलने लायक हो जाए। जब सूजी थोड़ी देर में थोड़ा सा ठंडा हो जाएगी, हल्का गुनगुना रह जाएगी, तो हम 1 चम्मच तेल लेंगे और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा हाथों में लगा लेंगे और इसको इस तरीके से मसल मसल के अच्छे से चिकना कर लेंगे जैसे आटा गूंथते हैं। और ये देखिए अब कितने अच्छे से एकदम चिकना डो बन के तैयार हो गया है। तो अब हम एक बार से हाथ को साफ कर लेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथों में ताकि ये चिपके नहीं। अब थोड़ा थोड़ा सा इसका पोर्शन लेंगे इस तरीके से और इस तरीके से हम दोनों हाथों के बीच में रख के गोल गोल सा बनाएंगे और हल्का चिपटा कर देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा बन के तैयार हुआ है। आप चाहें तो नाश्ते को कोई सा भी शेप दे सकते हैं, मैं इसी शेप में बना रही हूँ क्योंकि ये इजली बन जाता है। तो इस तरीके से राउंड राउंड करेंगे और बहुत अच्छे से इसको इस तरीके से बना देंगे। बस ये सिक्योर कर लें कि साइडों से फटा ना रहे, एकदम चिकना चिकना सा बने इस तरीके से करेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे अच्छे से बन के तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल भी फट नहीं रहे हैं। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि जब सूजी का नाश्ता बनाते हैं और कढ़ाई में फ्राई करने के लिए डालते हैं तो उनका नाश्ता जो है बिखर जाता है, अच्छे से बन नहीं पाता है। तो आप एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। और अगर उसके बाद भी बिखर रहा हो तो इसमें आप चावल का 2 चम्मच आटा मिला लीजिए तो फिर बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा, एकदम बढ़िया सा नाश्ता बन के तैयार होगा। तो ये देखिए यहाँ पे इतने सारे नाश्ता बना के तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे हाई फ्लेम पे अच्छे से, उसके बाद से गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और एक बार में जितना नाश्ते को अच्छे से फ्राई कर सके उतना ही डालेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम करके इसको अच्छे से थोड़ी देर पकने देंगे। अब करीब इसको 2 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। तो अब हम इसको एक तरफ से पलटा देंगे क्योंकि ऊपर से देख के ही लग रहा है कि ये नीचे से अच्छे से सिक गया है। तो ये देखिए सारे नाश्ते को इस तरीके से हम अच्छे से पलट देंगे और फिर इसको हम दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेकने देंगे। तो ये देखिए यहाँ थोड़ी देर के बाद से दूसरी तरफ से भी सीख गया है। तो फिर से हम पलट देंगे इसको और अब गैस की फ्लेम हाई करके थोड़ा सा इसको पलट पलट के दोनों तरफ से बढ़िया सा सेक लेंगे क्रिस्पी होने तक। अब ये दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से सीख गया है, एकदम गोल्डन कलर आ गया है बढ़िया सा। तो अब हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे।
इस तरीके से आप नाश्ता बनाएंगे तो एकदम आपके घर में सब आपकी तारीफ करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है ये नाश्ता और बहुत ही झटपट से बन भी जाता है, इसमें कोई भी झमेल नहीं है। आप चाहें तो इस तरीके से एक दिन पहले तैयारी करके रख सकते हैं और सुबह सुबह झटपट से बना के बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, देख के लग रहा है ना कितना यम्मी यम्मी। तो बस इसको गर्मा गर्म हम सर्व कर लेते हैं। तो चाहे आप इसको सॉस या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी यम्मी बन के तैयार होता है ये नाश्ता। ये देखिए ऊपर से कितना क्रिस्पी क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट बढ़िया सा, और इसको पकने में कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, तभी ये अंदर से बहुत अच्छे से पक पाएगा। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं ऐसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।